मनावर के अजंदी कोर्ट में हर साल की तरह इस साल भी शुक्रवार को पाड़ों की लड़ाई का दंगल हुआ। यहां पर सिंघम ने वीर शिवाजी को हराया। दोनों ही पाड़े एक दूसरे को देखकर भिड़ गए। काफी देर जोर आजमाइश के बाद सिंघम विजयी हुआ। पशुपालकों की माने तो दीपावली के अगले दिन पड़वा पर पाड़ों को लड़ाने की परंपरा कई सालों से चली आ रही है। पशुओं को सजाकर पशुपालक नगर में घुमाते हैं। मनावर क्षेत्र में दीपावली धूमधाम से मनाई गई। विशेषकर बच्चों ने रात 2 बजे तक आतिशबाजी का खूब आनंद लिया। दीपावली के अगले दिन पड़वा के दिन पशुपालक अपने पशुधन की पूजा करते हैं। सुबह उन्हें अच्छे से सजाकर क्षेत्र में घुमाते हैं। पशुपालक दंगल में उतरने वाले पाड़ों को पूरे साल तैयारी में लगे रहते हैं। इसमें दूध, अंडे, बिस्किट सहित अन्य प्रोटीन युक्त खाना खिलाते हैं। इस दंगल को देखने के लिए आसपास के कई ग्रामीण इकट्ठा होते हैं और दंगल का खूब आनंद लेते हैं। भारतीय न्यूज के लिए मनावर से कलीम खान की रिपोर्ट। नाम सचिन कनेरा, मैं सिंघानागर वासी हूँ। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पड़वा में मैं पाड़ा अजंदी कोट लाया और सामने वाला भी पाड़ा अजंदी कोट का था, माना भाई मेराना का। और हमारा भी बहुत अच्छा दंगल, आधे घंटे तक दंगल हुई, बहुत बढ़िया। और लड़ेंगे और चलता रहेगा। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।